अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। बाहर से तो आखिरी आखिरी चक्कर चल रहे हैं, आखिरी आखिरी घुमघमेरियाँ शुरू हो गई हैं। तो मैं जा रही हूँ मार्केट में, क्योंकि एंड पे ना कुछ दुपट्टे दिए हुए थे पीको करने, कुछ के मैंने दुपट्टे लेने थे, तो मुझे यही था बने बनाए दुपट्टे ले लूँ। मुझे वो क्या, अब मैं दुपट्टे अलग से लूँ, फिर डाई कराऊँ, फिर पीको कराऊँ, तो मुझे ये था कि जो मुझे चाहिए मैं ऐसे ले लूँ जो मुझे आराम से ना मैं पकड़ूँ और ले आऊँ। तो यहाँ पे जब मैं पहुंची हूँ, रक्शे से उतरी हूँ, तो लंडा बाजार लगा हुआ था, तो यहाँ पे कितना रश था। जाहिर बात है सर्दी आ गई है तो लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हम उतरे हैं तो जाल पे आई हूँ मैं, जाल पे। तो यहाँ से मैं लूंगी दुपट्टे, और मेरी सिस्टर साथ आई, उसने लेने थे अनस्टिच, तो वो मेरे साथ आ जाई है कि मुझे भी बता दो कि कौन से मैं लूँ कौन से ना लूँ, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी अनस्टिच को इस दफा हाथ ही नहीं लगाया। जब मैं पिछली दफा आई ना, दो दफा तो मैं पाकिस्तान आई हूँ, ये तीसरी दफा आई हूँ, तो मैं अनस्टिच बहुत लेती थी और खुद स्टिच करवाती थी। इस दफा मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि टेलरों के चक्कर और लैसे और ये और वो, और इतनी खपाई होती है ना। तो आज मैं इस दफा, तो वैसे मैंने आपको पता है देखे भी आपने, मैं मार्केट में चक्कर शुरू शुरू में जाने लगी जहाँ स्टिच मिलते थे, तो ये फैसल क्लॉथ हाउस आई हूँ। यहाँ पे आपको पता है इनके कपड़े भी अच्छे होते थे। यहाँ पे इसलिए लेने थे एम्ब्रॉयडरी वाले, ये थे मुझे लगता है बगैर एम्ब्रॉयडरी वाले, तो यहाँ पे हो गए डायरेक्ट रिजेक्टिंग। तो यहाँ से एक दो इसने निकाले और बाहर चले गए कि नहीं मैंने लेने हैं, कि जिसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो ना। खैर मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया देखे ही नहीं है इस दफा खोल मार्केट में ऐसी चीजें। जब वो खोल रहा था ना, फिर बड़ा दिल कर रहा था ले लूँ ले लूँ, फिर मुझे ये था मेरे तो आखिरी चक्कर चल रहे हैं। बीबी चुप करके बैठ जा, अब तो टाइम भी नहीं है कि आप सिलाई करवा सको। तो मैंने फिर फुल फुल इग्नोर मारा है, मैंने देखे ही नहीं है। तो खैर दुपट्टों वाली साइड पे आई हूँ, यहाँ पे दुपट्टे देख रही थी कोई अच्छा मिल जाए तो ले लूँ, क्योंकि वायर ब्लैक तो मैंने काफ़ी ले लिए थे, तो ऐसे गोल्ड में भी देख रही थी, ताकि मैं ना कुर्तों के साथ मिसाल के लिए, अपने लिए मिसाल के लिए मैं ऐसे नहीं लेना चाहती थी, सॉफ्ट लेना चाहती थी ताकि वो आराम से कैरी कर सके। पता क्या, हम लोग ये, मैं ब्लैक लिया प्योर में, इतना अच्छा ये दुपट्टा मिला था, इसके लिए मैंने ये ले लिया कि चलो ये आराम से, क्योंकि खड़े खड़े जो बुरे बुरे दुपट्टे होते वो ये नहीं लेती ना, वो पकड़ने नहीं आते, मतलब पकड़ने मतलब उसको लेने ही आते। तो उसके लिए दुपट्टे देख रही थी, अपने लिए दुपट्टे देख रही थी, घर जाके दिखाऊंगी। जो मैंने दो तीन ही लेने थे वो मैंने ले लिए, और मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके मैंने क्या लिया आज, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहाँ दूसरी शॉप में आ गए हैं, क्योंकि इसने अनस्टिच लेने थे, वो यहाँ पे भी इसको कोई खास इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसने लेने हैं करंडी के, तो यहाँ पे जो करंडी है ना इतनी खास भी नहीं थी, और पीछे इतनी चेपी लगाई हुई थी ना, तो चेपी वाले वो कह रहे थे जब इसने धुलना है चेपी ने खुर खुर के, मतलब इस बार इनको इसको पसंद ही नहीं आए ना। खैर दो तीन इसने देखे हैं, मुझे तो खैर अच्छे थारे अच्छे लगे, सामने तो पता हर चीज़ चंगी लगती है। तो यहाँ पे इसने ये वाला मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसके पीछे बाकी पूरी एम्ब्रॉयडरी के ना चेपी लगी थी जो इसने लिए हैं, तो वो वहाँ पे बाद इसी दुकान में सिर्फ चेपी लगी थी, बाकी में ऐसी सीधी एम्ब्रॉयडरी थी, कोई पीछे कुछ नहीं था। तो ये फिर इसने कोई नहीं लिया, फिर हम बाहर निकले, बाहर जो फट्टे पे पड़े होते हैं ना वो भी सही कपड़े होते हैं, ऐसे नहीं है कि वो फट्टे पे पड़े हैं तो वो हम नहीं ले सकते। तो ये था, किसका कह रहा था पता नहीं, सफायर का कह रहा था, तो खैर मुझे बड़ा पसंद आया ये कलर, इतना इसका कंट्रास्ट जबरदस्त था, 3200 का, हाँ इतना महंगा भी नहीं था। तो ये इसने ले लिया कि चलो ये मैं अपने लिए ले लेती हूँ एक, तो एक मैं ना, अब इसका ये हो गया कि वो करंडी से उतर के ना तो शिफोन पे आ गई थी कि करंडी का अच्छा रहने देती हूँ, तो मैंने वो ले लेती हूँ एक सफायर का, तो एक मैं ले लेती हूँ शिफोन का, क्योंकि इनके कहीं शादी आ रही दिसंबर में, तो उसकी वजह से ये ढूंढ रही थी। तो अब इस दुकान में आ गए हैं कि चलो कोई शिफोन का मिल जाता है, कोई 3 पीस या कोई 2 पीस, तो मुझे लाजमी बात है एक बंदा अकेला हो, एक एक होता है और 2 11 हो जाते हैं, तो फिर मेरे साथ ही, तो ये था कि चलो मुझे एक अच्छा सा सूट ले लेती हूँ, तो आप मुझे बता दो कि मैं कौन सा लूँ। मैंने तो आते पहले ग्रीन निकाला है, अगर कोई पीला नजर आता है तो मैं वो भी काट लिया, नहीं मैंने अपने लिए नहीं लेना, फिर भी मैंने अपनी मर्जी के निकाल दी जैसे मैंने लेना है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका कपड़ा भी बड़ा प्योर था, तो इसकी जो कढ़ाई वगैरह ना वो बड़ी जबरदस्त नीट बिल्कुल। तो ये फिर हमने सेलेक्ट कर लिया और ये उठा लिया बाजी ने अपने लिए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े नहीं दिखाऊंगी, मुझे ये था मैं आपको इधर ही बता दूँ कि ए वाला सी ले लिया है। बाकी जो दुपट्टे मैंने लिए हैं, ये जो चीज़ें छोटी छोटी ली हैं वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो शालें हैं ना, मैं आपको शालों की स्टोरी सुनाती हूँ। सच्ची में बाज औकात ना आजकल इतने ढीठ बन गए हैं आदमी दुकानों वाले, तो हमें भी आदत होती है ना काम करवाने की। तो यहाँ पे मैंने 3 4 शाले सिलेक्ट करके रख दी,
और बाद में मेरा ऐसा मीटर घूमा कि मेरा मतलब मैंने लिया ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे बाज़ औक़ात जो बेचने वाला होता है ना उस पर बड़ा डिपेंड करता है, उसकी लैंग्वेज, उसका मतलब बेचने का तरीका अच्छा होना चाहिए बेशक बंदा ले या ना ले। तो मुझे ना ये इतना अजीब सा लगा, पता नहीं क्यों मैंने इस, खैर मैं इसको नहीं बोलूँगी, शायद मुझे फील हुआ होगा। तो फिर मैंने ना चार पांच निकाली देखी और फिर मैंने सॉरी किया और बाहर आ गए। मैंने कहा नहीं ऐसे मैं कभी नहीं लूँगी, पैसे की बात नहीं, थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो खैर जहाँ दुपट्टे शपट्टे मैं देख रही हूँ, और अब मैं आ गई खुस्सों वाली शॉप पर, यहाँ पर ले रही है बाजी खुस्सा अपनी बेटी के लिए। तो मैंने खैर दो ली हैं, मैंने सिर्फ ब्लैक लिया और स्किन लिया है ना, वो मैं पहले ले जा चुकी थी। तो मेरी तरफ देख के यही आई है कि जहाँ से मिल जाते हैं और जहाँ ये रहती है भावलपुर वाली साइड पे, वहाँ पे है ही नहीं है। तो मेरे साथ ये भी अपना सार रही थी कि चलो ये ले रही है तो मैं भी ले रही हूँ। तो खैर बेटियाँ हो तो फिर आपको पता जमान तो बढ़ ही जाती है ना, तो उसकी बेटी को था कि मेरा भी ले आए, तो उसके लिए लेने आई थी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ अब एंड पे, मैंने कहा ये वाली चीज़ें उठा लो जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो खैर मैंने कोई इतनी वजनी चीज़ें उठाई नहीं है, आपको पता है रखने का तो टूटने का और फिर लेके जाने का मसले मसाइल होते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फूल वगैरह देख रही थी मुझे अच्छे मिले, तो वो मैं आराम से आपको पता बैग में आ जाते हैं, तो वो मैं देख लूँ, तो वो मैं लेने आई हूँ। वो तो मैं खैर जाकर जरूर दिखाऊंगी आपको, जो जो इधर दिखा रही हूँ, जो मुझे आसानी से दिखाई जा रही हूँ वो दिखाती जा रही हूँ, और जो नहीं वो मैं उधर जाके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैं फूल लेने आई हूँ, फिर उसके बाद आ गई ज्वेलरी वाली मार्केट में। तो ज्वेलरी मैंने अपनी नहीं लेनी थी, नंद की लेनी थी जो कैनेडा में है, वो वीडियो वे लेंदे है तो बिच निशानियां लग अब देखेगी वीडियो तो मुझे हंसी आती है ना, मैं जब वीडियो डाल देती हूँ ना कोई भी अपलोड करती है, तो वो उससे टिक मार करके मुझे मैसेज कर देती है ए वाली मेरी यहाँ ले लो, फिर मुझे जाना पड़ता है। मैं कहा चलो उसको ये भी अच्छा है, आइडिया हो जाता है किसी को किसी ने चीज़ लेनी है, तो उसकी मैं चीज़ें ले रही थी उसके लिए। तो खैर मैं उसकी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी उसको, वो खुद ही जाके देख के ऐसे कहेगी तू मेरी चीज़ें खा देती है, उसकी मैं नहीं दिखाऊंगी उसने क्या लिया है। तो खैर बच्चों की चीज़ें ये लेके आए थे, जैसे कोई इसको क्या कहते हैं जिसके तो पेपर देते थे, क्या गत्ता, हाँ ये गत्ता जिसके ऊपर हम रख के ना पेपर देते थे। तो ये फान के लिए लेके आफिया के, शायद पिंक वाले उसने नीचे से निकाल के अपने पास रख लिया है। और ज़्यादा जो चीज़ें लेने गए थे ना वो बेटे के लिए कलर लेने गए थे, उसकी ब्रश लेने गए थे जो पेंटिंग वगैरह वो करता है ना, तो उसकी चीज़ें लेने के, तो वो आया तो है नहीं है, तो उसकी यही ख्वाहिश थी कि ये अच्छी अच्छे वाले कलर ले आना, अच्छे वाले ब्रश ले आना, क्योंकि जर्मनी में तो बहुत महंगे हैं, एक ब्रश भी लेते हैं ना तो 6-7 यूरो का आ जाता है जो ये करता है, जो ये यूज़ करता है ना। तो यहाँ पर काफ़ी सस्ते में भी आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी ब्रशों की वैरायटी है जो हम ये ले आए। मैं खैर नहीं गई क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वो सिर्फ मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे मैं अपनी मार्केट जाती तो आप वहां से ले आए भाई के साथ। अच्छा मुझे ना मैं अपने मियाँ के कमेंट्स पढ़ रही थी, किसी ने ना उनसे पूछा था कि जो आपके भाई हैं उनको शाह साहब कहते हैं, वो शाह है, वो शाहिद कहते हैं शाह साहब नहीं कहते, वो शाहिद है उसका नाम ना, तो उसको शाह साहब शाह जल्दी में कह देते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी, मैं कहा आए तो मैंने कहा वो कह रहे कौन से मतलब होते हैं ना शाह हैं तो कौन से, तो मैंने कहा नहीं शाहिद उसका नाम है तो वो शाहिद साहब कहते हैं। तो ये उसकी ब्रश है, देखें कितनी वरायटी ले आए हैं, खुश हो जाए मेरा मुंडा घर में आया तो खुश हो जाएगा, यही उसको चीज़ें चाहिए थी। चलिए जी जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ छोटी मोटी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं दुपट्टे लेके आई हूँ, ये लेके आई गोल्डन, उसको साथ मैंने पीको करवा ली है, और दो मुझे और दुपट्टे चाहिए थे वेलवेट के लिए ना, मैंने एक पलच्छी की शर्ट ली थी और दोनों पलच्छी की थी, उसके लिए ये मैंने मैच किया, वो मैं शर्ट्स वगैरह जरूर दिखाऊंगी। ये लिया है, ये बने बनाए दुपट्टे मिल जाते हैं 400-450 ना, किसी ने अगर लेने हैं तो वो आपको आइडिया हो जाता है कि तो अच्छे हैं, सॉफ्ट बिल्कुल और बने बनाए हैं, कोई पंगा नहीं है कि पीको कराए लैस लगाए, तो ये मुझे अच्छे लगे थे ये ले लिया। ये भी बना बनाए दुपट्टा, इसके साथ लैस लगी हुई है, तो मतलब बिल्कुल 500-600-700 के रेंज में अच्छे दुपट्टे आपको ना आराम से मिल जाते हैं हर कलर में। तो ये आप पहले सहूलत नहीं थी, जो असं इतने हुई दस उदू तो बड़ी सिरक पाई, अब बड़ी आसानी उन्होंने कर दी है। तो खैर मैं लेके आई हूँ फेशियल का, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी इसकी, कौन सी है डर्मा क्लीन है क्लियर है शायद, हाँ इसकी मैं लेके आई हूँ क्योंकि ये मैं जिठाने यूज़ करती हूँ, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, तो मैं ये लेके आई हूँ। मैंने जो चीज़ें यूज़ करी तो मैंने वही उठाई हैं, इसकी 6 तकरीबन चीज़ें थी तो मैंने 4 ली है जो मुझे चाहिए थी। तो ये भी सस्ता भी है, सस्ता खैर इतना नहीं है लेकिन अच्छा बड़ा है, लाजमी बात है अपने फेस पर करना है तो इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा ये यूज़ किया, इसलिए मैं ये उठा के लेके जा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ। और साथ में चूड़ियाँ ली हैं पूके शूके हर कलर में, तो खैर नहीं लीजिए सिल्वर गोल्डन में, पता नहीं कि मुझे चार चढ़ा हुआ अपने लिए चूड़ियाँ लेने के लिए, तो जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने अपने लिए सिर्फ सिंपल ली है, और एक मेरी बेटी की जो टीचर है उसके लिए ली है ये वाली, उसको था कि मेरी उस्तानी वाली चीज़ें लेके आए। मेरे तो इस दफ़ा ना डिमांड ही बड़ी बढ़ गई बेटियों की, इतनी सारी दोस्तों की चीज़ें हैं तो इन्होंने उस्तानी वाली चीज़ें, मैं ऐसी चीज़ें पूरी कर करके ना अपना दिन गुजार आती हूँ, पूरा करते करते थक जाती हूँ।
तो शाम को वापस घर आए हैं, तो घर आके तो आपको पता है थक जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये वापसी पे हम लेके आए हैं दही बल्ले और साथ लेके आए समोसे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खा रहे हैं। अब एंड पे जा रहे हैं तो यही है कि एक कोटा और ला लें बराबर, नहीं तो तरसते रह रहे हैं। तो अब एक कोटा और चल रहा है, तो दही बल्ले समोसे लेके आए हैं। तो वो अब हम सब बैठ गए हैं टेबल पे, लग गए कि आ जाए खा ले, क्योंकि समोसे जो थे वो इतने नहीं खाते, दही भले शो से सब बच्चे खा लेते। समोसे मैं अपने लिए और ये इनके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इनको बड़े समोसे पसंद है। तो सलाद साथ चटनियाँ इतनी मज़े की, ये चीज़ें तो फिर आपको पता है हाय इतनी लभनिया ना, तरसने असी उत्थे जाके। चलें जी खाना खाते हैं, वीडियो मेरी बहुत लेट जा रही है, टाइमिंग की समझ ही नहीं आती, कभी नेट का इशू हो जाता है, इतनी स्लो चलते हैं नेट के। मेरे को टाइम जो टाइम है ना मेरा फिक्स, पाकिस्तान 11 बजे मैं वीडियो अपलोड करती थी पर जब जर्मनी में थी, तो अब इतना नेट स्लो है, कभी आता नहीं है, कभी क्या मसले मसाइल है, मेरी वीडियो कदी किसी टाइम जा रही, कदी किसी टाइम, कभी मेरा दिल चढ़ जाता मैं 2 दिन वीडियो ही नहीं पाया, तो अंदाजा लाओ मेरा। ये भी बड़ा होता है ना बंदे की, वो हिम्मत तो थले चले जाती है कि हाय मैंने इतनी मेहनत कर रही हूँ नेट चलता नहीं है। तो खैर चले कोई नहीं, आस्ता आस्ता अल्लाह खैर कि हम वापस जाएंगे तो अपनी रूटीन पे वापस आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी, मुझे मेरी फैमिली के दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।